उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दो तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यूपी में सरकार बनाएगी। वहीं गृह मंत्री मिश्रा ने मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव का भाजपा में आना बताता है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी अपना परिवार संभाल नहीं पा रही है, वो प्रदेश को क्या संभालेगी। मिश्रा ने आगे कहा कि हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले मौलाना तौकीर रजा का समर्थन लेकर कांग्रेस का हिंदुओं को अपमानित करने का छिपा एजेंडा फिर सामने आ गया। हिंदुओं को अपमानित करना कांग्रेस के डीएनए में है। देखिए, ये सपा हो या कांग्रेस हो, ये परिवारवादी पार्टियां थी, अब ये परिवार भी नहीं संभाल पा रही है। और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते तक उत्तर प्रदेश में ये सारे दल बैठ जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी दो तिहाई बहुमत से फिर जीतेगी। दरअसल कांग्रेस का जो हिडन एजेंडा है, कैसे हिंदुओं को अपमानित करना, उनमें विभाजन करना, ये कांग्रेस के डीएनए में ही है। आप उनके पिछले बयान देखो, सलमान खुर्शीद का हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआई और बोको हराम से करना, राशिद अलवी का जय श्री राम कहने वालों को राक्षस बताना, कांग्रेस ने स्वयं ने भगवान राम काल्पनिक हैं, राम सेतु पर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था, भगवा आतंकवाद का शब्द कांग्रेस ने पैदा किया था, और अभी अभी ताजा हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बांटा है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस का ये छुपा हुआ एजेंडा है और उसने इसी तरह का ये काम समर्थन लेके किया है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।